इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने टिप्पणी देने से मना कर दिया है। दरअसल पीएम मोदी के भाषण पर चुनाव आयोग कोई भी टिप्पणी नहीं देगा। चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि हम इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार करते हैं। दरअसल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी ने एक रैली के दौरान कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जनता की संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने टिप्पणी देने से मना कर दिया है। दरअसल पीएम मोदी के भाषण पर चुनाव आयोग कोई भी टिप्पणी नहीं देगा। चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि हम इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार करते हैं। दरअसल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी ने एक रैली के दौरान कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जनता की संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने टिप्पणी देने से मना कर दिया है। दरअसल पीएम मोदी के भाषण पर चुनाव आयोग कोई भी टिप्पणी नहीं देगा। चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि हम इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार करते हैं। दरअसल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी ने एक रैली के दौरान कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जनता की संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी।